साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे कुछ पर्सनली सिस्टम, पर्सनली मान लीजिए सामने वाली का कोई अगर फायदा नहीं होता ना, या फिर अगले का मान लीजिए स्वार्थ नहीं हो सकता, पूरा स्वार्थ पूरा नहीं होता जिस पर्पज को लेके वो चाहता है कि यार अपना ये काम हो जाए, और उसका काम बाई चांस नहीं होता तो फिर वो निष्ठा पे उतर जाता है। इसके एग्जाम्पल मैं कुछ देऊंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले बता भी रखा है कि मैंने फीस स्टार्ट कर दी 1100 रुपये, क्योंकि फालतू कॉल्स आते हैं जबकि अपन 12 घंटे जब इसी में मेहनत कर रहे हैं तो भैया फीस तो लेनी पड़ेगी, कमाना तो पड़ेगा। आप भी तो लोग विदेश जाने की सोचते हो तो कमाने के लिए तो जा रहे हो ना, मैं भी तो 2 रुपये लूंगा, तो मेरा सिस्टम वो सेम पे सेम जो आप पे स्थिति लागू होती है वो मेरे ऊपर लागू होती है, समझ गए बात को। तो इस चीज को अपन ने फॉलो किया तो कुछ लोगों ने रिएक्ट क्या दिया, जब उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट डाले कि सर इसको चेक करके दे दो या फिर ये कर दो वो कर दो, मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको लीगल मेरी जो फीस है 1100 रुपये वो एक बार देनी पड़ेगी, जिससे आपको जब तक आपका काम नहीं होगा आप कर सकते। तो कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूंगा आपको, मैं स्क्रीनशॉट साथ में डालता रहूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये भाई है, इन्होंने मेरे को कुवैत का वीजा भेजा, ठीक है। अब कुवैत का वीजा भेजा, सर बताओ इसमें कंपनी कैसी है, सैलरी कितनी है, कितना पैसा लगेगा, एजेंट बोल रहा है 7 दिन में जाना है, तो सर मुझे डाउट हो रहा है। मैं बोला कोई नहीं भाई, आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 80,000 रुपये, आप कुवैत का 1,00,000 रुपये देके जा रहे हो, तो 1100 रुपये मेरी फीस दे दीजिए, आपकी हेल्प करेंगे। आप जहाँ वहाँ पर भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस भाई का रिप्लाई फिर ये इस तरह से रहा, मैं स्क्रीनशॉट में साथ में डाल दूंगा, इतनी इसने गालियाँ वगैरह खूब निकाली। रिप्लाई तो भैया हम कौन से कम है, जैसा एक देगा अपने को अपन उसको 11 गुना करके देंगे, अच्छा देगा तो अच्छा देगा, बुरा लेंगे बुरा देगा तो बुरा भी देंगे अपन, ठीक है। तो ये रही लास्ट में इसके, देखिए मैं आपको कुछ लैंग्वेज सुना देता हूँ। अरे भाई मेरे को मालूम है तू स्पेशल भिखारी है, मेरे को मालूम है जो ट्रेन पे छक्का रहता है तू उनमें से है, मेरे को मालूम है ना तू वीडियो के थ्रू पैसा मांग रहा है भिखारी कहीं का। हाँ तेरे को मांगने का तरीका नहीं मिला है क्या, तू पढ़ा लिखा आदमी है तो ट्यूशन कराना जाके अभी अनपढ़ आदमी, इसको ये नहीं पता यार ट्यूशन किसको होता है, ट्यूशन टीचर करवाता है वकील करवाता है, इस बंदे को नहीं पता, ये लेबर कैटेगरी का आदमी है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो बात, तू मेरा नंबर क्या बिगाड़ेगा, तेरा नंबर है ना सबको दूंगा तेरे को छताने के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल है, और भी आप लोगों को मैं आज सब बातें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में कि लोग चाहते क्या है। ये एक भाई है, इन्होंने मुझे वीजा के बारे में इंक्वायरी ली कि सर मेरे को वीजा की डिटेल, तो मैंने उनको वो मैसेज छोड़ दिया जो सब लोगों को अपन लगभग छोड़ते हैं, ठीक है। छोड़ने स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ उसमें पढ़ लेना आप। इस बंदे ने मेरे रिप्लाई दिया, मैंने उसको बोला सर 1100 रुपये फीस मेरी देनी पड़ेगी, इसके बाद देखिए क्या लिखा है, तू फेकू है और फेकू रहेगा। यानी इन लोगों का अगर मैं ये चाहते तो इनका हेल्प कर देता, इनके लिए अच्छा हो जाता, और मैंने मेरी फीस मांग ली तो इनके लिए मैं बेकार हो गया। सेकंड पर्सन की बात करते हैं, बंदा है मलेशिया वर्क परमिट के बारे में, इन्होंने मेरे से इंक्वायरी ली कि सर कैसे होगा क्या होगा। इस आदमी के मलेशिया में 2 आदमी फंस गए इमिग्रेशन में, पुलिस ने उठा के अंदर कर दिया इमिग्रेशन ने, तो इसने मेरे से हेल्प मांगी सर कैसे क्या होगा। मैं बोला भाई फीस दो, आपकी पूरी वहां पर भी हेल्प करवा देंगे, यहाँ पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसका रिप्लाई ये आएगा, देखो नीचे देखो, हमारा एक आदमी मलेशिया फंसा है, प्लीज हेल्प करो, ठीक है साथियों। इसका बाद में मैंने उसको जैसे ही ये मैसेज किया नीचे वाला, उसके देखो नीचे चल हट, तुम्हारा तू बड़ा बड़ा यूट्यूबर है। यानी स्थिति ये हो गई, बंदा मलेशिया जेल में फंस गया लेकिन फिर भी 1100 रुपये मेरी फीस देने के लिए बंदों को एतराज है, और वहां 1,00,000 रुपये कोई उनका एजेंट इनसे जूतियां बना के ले लेगा, ये सबको पता है, ठीक है। सेकंड पर्सन की बात करते हैं, ये एक बंदा है, इन्होंने ये कोई कंपनी ओवर टाइम वगैरह था इनके पास में, मेल भेजा होगा सर ये कंपनी बताओ इसमें इतनी तनख्वाह है क्या, सर एजेंट से बात करो मेरी हेल्प करो, ठीक है। ये देखो नीचे लिख रखा है इसने, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया बिल्कुल भाई हेल्प करेंगे, मेरी फीस आपको देनी पड़ेगी। सर आप कहाँ से हो, यूट्यूब पे तो बोलते हो फ्री में जानकारी देते हो और SBI में 1100 रुपये लेते हो, तो खुद फ्रॉड है। यानी सच्चाई वही है, इसकी हेल्प कर देता तो अच्छा हो जाता, बाकी इसके लिए मैं बुरा बन गया। लोगों की सोच ये हो गई कि सब कुछ फ्री चाहिए। एग्जाम्पल मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, लोगों को फ्री में चाहिए, बेवकूफ बना के चूतिया बना के उनसे जितना मर्जी ले लो ईमानदारी से नहीं देंगे, इसीलिए लोगों को झूठिया बना के पैसा लेते हैं। ये बात पहले वीडियो डाला था, ये सच्चाई। ये बंदे ने कोई कंपनी का था मेरे को सेंड किया, सर मेरा नाम राजू सर है, गुजरात से बोल रहा हूँ, मैं मलेशिया का वीजा पोस्ट किया, क्या मुझे बता सकते हैं कंपनी अच्छी है, वीजा पर जाना चाहिए, 1 महीने का समय होना चाहिए, कितना वेतन देंगे। यानी इस बंदे को पूरी डिटेल मेरे से इन्होंने मांगी, मैंने इसको ये मैसेज किया कि बिल्कुल भाई फीस जमा करवा के आप कॉल करें, आपको पूरी इंक्वायरी दे दी जाएगी, फेकू लूट
सालू कर दे सर, यानी अनपढ़ लोग हैं, इसको इंग्लिश नहीं आती, पढ़ने को लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो अपनी कर लेते हैं, फेकू, यानी इसको मैंने कुछ नहीं बताया, फीस मांग ली तो इसके लिए मैं फेकू हो गया, समझ रहे हो बात को। और भी है मेरे पास में, ये एक बंदा है, ये अपने को एजुकेटेड मानता है, 6 महीने से ये बंदा मेरे टच में है, ये देखो 7 अक्टूबर 2018 का मैसेज आया हुआ इसके पास में, 10 अक्टूबर, यानी मेरी सिस्टम ये है कि मैं किसी को फोन तो करता नहीं हूँ, अपने करते हैं उनको रिप्लाई कोशिश करता हूँ, ये बंदा 6 महीने से कॉन्टेक्ट में है, इनसे मैंने, ये देखो ठीक है, इसको मैंने, इसने हेल्प मांगी मेरे से, मैंने इसको अकाउंट नंबर बेसिस किए, भाई पैसा डालो, हेल्प आपको मिल जाएगी, ऐसे नहीं दे सकते क्या, जब तक वीजा नहीं हो, यानी फ्री में नहीं दे सकते क्या, इनका कहने का मतलब ये, अरे अपने आपको MBBA पता नहीं कौन सी डिग्री बता रहा था, फिर इसने मुझे गाली दी, गाली का जवाब तो भैया गाली से मिलेगा, मैंने भी इनको रिप्लाई अच्छे से दे दिया, यानी अगले 1% देगा, अपन 11% देंगे, ये अपना फंडा है, सीधा सा बात है, ठीक है, अपने को कोई बिजनेस नहीं करना कि सब लोगों से बना के रखनी है, और यूट्यूब पे भी कमेंट देखे होंगे, सही कमेंट उनको नहीं देता, लेकिन गलत करता उनको मैं पहले कमेंट देता हूँ, आप लोगों ने नोट भी किए होंगे, जिन्होंने कमेंट गलत किए उनको आंसर मिला, उनको अच्छी तरह से पता है, बात वहीं पे आ गई कि लोगों को फ्री में चाहिए। तो साथियों ये कुछ 8-10 मेरे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर वीडियो क्या लंबा हो जाता, मजा नहीं आता। सिस्टम कहने का मतलब ये है कि जब से ये सिस्टम किया है तो लोगों को फ्री में खाने की आदत पड़ चुकी है, एजेंट जितना मर्जी लोगों को बेवकूफ बना के पैसा ले लें। एग्जाम्पल समझो यार कि बंदे का भाई मलेशिया में फंसा पड़ा है और वो लाखों रुपये वहाँ लोग एजेंट ले लेंगे, भाई 50,000 डाल दे तेरे भाई को निकाल दूंगा, और वो झक मार के देंगे, लेकिन यहाँ ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं, उनको कोई पैसा नहीं देता बल्कि गाड़ियाँ और देते हैं, तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, इसको और स्ट्रिक्टली लेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, जिन्होंने पैसा दिया उसकी मैंने हेल्प की है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। ये भूल जाओ साथियों कि जो ये गलत कमेंट कर रहे हैं ना, इनकी सोच के और भी लोग मिलेंगे, तो भाई फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की फ्री का, ठीक है। जब आप लोग ये सोचते हो कि हम कमाने के लिए जा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों घर वालों के लिए तो जा रहे हो ना, तो भाई हर इंसान कमाना चाहता है फ्री फोकट में, कितने दिन आदमी, कोई करोड़पति या करोड़पति बाप की औलाद तो यूट्यूब पे वीडियो बना के नहीं बैठा नहीं है कि आओ भाई आपकी मैं हेल्प करता रहूंगा, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, हर इंसान पैसों के लिए काम करता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था साथियों कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको या तो हेल्प कर दो या फिर उनसे गाली खाओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी तरह से बात करेंगे। जय हिंद, वंदे।